माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहली चीज माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में तो प्लांट्स भी आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में तो एनिमल्स भी आते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी प्रेजेंट है। ये सुंदर सी शक्ल दिख रही है, ये किसकी शक्ल है? माइटोकॉन्ड्रिया की। आप में से किसी को बनाया गया माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप क्या बोलोगे? सुंदर सी शक्ल वाला मैं माइटोकॉन्ड्रिया हूं, मेरी डबल मेम्ब्रेन है। कितनी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की? डबल मेम्ब्रेन है। अब आपको लिखना क्या है? फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पहला फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं एटीपी। बेटा एटीपी क्या होती है पहले समझोगे फिर लिखेंगे। हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। पहली बात क्यों बोलते हैं? बिकॉज पावर एनर्जी बना रहा है, ठीक है? हम सबके सेल में जो भी एनर्जी बन रही है वो सारी की सारी एक्चुअली एनर्जी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे हम बोलते हैं ना कि मनी की करेंसी होती है, रुपया है, डॉलर है, कुछ करेंसी है, ऐसे ही एनर्जी की करेंसी होती है। एनर्जी की करेंसी यहाँ पे कौन है? एटीपी। क्या है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लिखेगा मेरे साथ, एडीनो साइन, एडीनो साइन SINE साइन ट्राई फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या फुल फॉर्म है इसकी? एडीनो साइन ट्राई फॉस्फेट। बेटा टी भी जे कैपिटल लिख लो, आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे टी का मतलब क्या है? ट्राई है। पी का मतलब क्या है? फॉस्फेट है। नाइन्थ में स्कूल एग्जाम्स में 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या है? एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनती है, और ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है, एनर्जी का रूप है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में देखो एक वर्ड है एनर्जी। क्या वर्ड है? एनर्जी। अब एक सोचने वाली बात है, अगर एनर्जी बनेगी तभी तो हम लोगों को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? डिसीज से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता। देखो बच्चे यहाँ पे एक वर्ड है रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी। कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डालो डबल स्टार। जो ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट है डबल स्टार, और जो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है सिंगल स्टार। स्कूल ओलंपियाड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें डबल स्टार। कैल्शियम बैलेंस। हम सबकी बॉडी में हम सब जानते हैं कैल्शियम होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कैल्शियम बोन्स का भी पार्ट है। तो कैल्शियम को मेंटेन रखने के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर जो पाया जाता है उस, प्लीज लिसन केयरफुली, लिखने के लिए टाइम मिलेगा। सेल के अंदर जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल। और उसमें मेरा बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? कैल्शियम। तो बॉडी में कैल्शियम बैलेंस के लिए कौन रोल प्ले करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक वर्ड आया यहाँ पे सेल डेथ। आप बोलोगे तो गंदा है फिर माइटोकॉन्ड्रिया सेल डेथ कर रहा है। सुनो, एंड रिन्यूअल ऑटोफैगी। ये पता है कब सेल की डेथ कराता है? जब कोई सेल खराब हो जाता है। मैं ये नहीं करे नहीं मारता, ये सेल को मारेगा, लेकिन ये सेल को क्यों मारेगा? ताकि कोई सेल जब खराब हो गया, कल मैं आपको बोल रही थी कि DNA टूट जाए तो कैंसर हो जाता है। किसी सेल का DNA टूट गया, कल को कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा वो सेल। एक सेल जब कैंसर में कन्वर्ट हो गया ना, तो उस वो सेल से जितने भी सेल बनेंगे सारे के सारे कैसे सेल होंगे? कैंसर सेल। और आपको पता है कैंसर सेल अगर पूरी बॉडी में फैल गया तो दिक्कत वाली बात है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोफैगी, वहां पे वो कैंसर सेल को क्या कर देगा? मार देगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ओलंपियाड के लिए। स्टेम सेल रेगुलेशन। अब ये स्टेम सेल होते क्या है? यहाँ स्टेम का मतलब प्लांट वाला स्टेम नहीं है, सुनो ध्यान से। स्टेम सेल वो सेल होते हैं जिनके पास पावर होती है कोई भी ऑर्गन बनाने की। आज के टाइम पे जब कोई बच्चा होता है, देखे उसके नेवल पॉइंट, नाभि पे ब्लैक ब्लैक कलर का अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। कोई न्यू बॉर्न बेबी देखे आपने? ब्लैक कलर का देखे उसके नेवल पॉइंट होता है नाभि, नाभि पे। प्लीज ध्यान से सुनना,
उस ब्लैक ब्लैक के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स का नाम होता है स्टेम सेल। अगर उसको प्रिजर्व मतलब कहीं बचा के रख दिया जाए, जो स्टेम सेल बैंक आते हैं, क्या होगा कल को जाके मान लो वो बच्चा बड़ा होता है और उसका कोई ऑर्गन खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, उन सेल से आप पूरा का पूरा हार्ट बना सकते हो, पूरा का पूरा क्या बना सकते हो, लीवर बना सकते हो, पूरे लंग्स और ब्रेन बना सकते हो। तो स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास पावर होती है कंप्लीट ऑर्गन बनाने की। और स्टेम सेल पे रिसर्च एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं खुद के स्टूडेंट की 2021 में हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, 3 हार्ट अटैक इकट्ठे आए। सोचो कि हम फटाफट तभी हार्ट बना लेते, उसी का ही हार्ट, बहुत सारे लोग हार्ट हार्ट डिजीज अगर नंबर वन पे आएगा ना डेथ का रीजन, तो आज के टाइम पे नंबर वन डेथ का रीजन है हार्ट डिजीजेस। मैंने हार्ट अटैक नहीं बोला, क्या बोला, हार्ट हार्ट डिजीजेस के अंदर हार्ट अटैक भी है, हार्ट फेलियर भी है। हार्ट फेलियर अलग चीज होती है, हार्ट अटैक अलग चीज होती है, एक कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट डिस वो अलग अलग चीजें होती है। करेंगे ये सब चीजें हम ओलंपियाड के लिए, हम बहुत डिटेल में करना है आफ्टर सिलेबस, ये सब इंटरेस्टिंग पोर्शन ही करना है हमें। तो हार्ट डिसीजेस नंबर वन रीजन का डेथ है। सेकंड रीजन डेथ का है कैंसर। कैंसर किसी ऑर्गन में हो रहा है, जिस ऑर्गन में वो ऑर्गन खराब जा तो ऑर्गन निकालो, ऑर्गन मान लो नहीं निकाल सकते उसके साथ बंदा मरेगा। अब किसी के लंग्स में कैंसर हो गया, लंग्स थोड़ा निकालोगे, क्योंकि लंग्स निकाले तो भी बंदा गया। सोच के देखो कि किसी के लंग्स में कैंसर हुआ और लंग्स निकाल दिए और नए लंग्स डाल दिए, सोचो एक बारी। जिनको डॉक्टर बनना चाहिए रिसर्च फील्ड में, सोच के देखो, बिकॉज यंग माइंड आपका जितने जितनी थिंकिंग प्रोसेस आपके पास है ना उतनी किसी के पास नहीं है। बिकॉज आपकी एज में हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन सेल सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, इसको सही डायरेक्शन में यूज करो बस। जितना आप थिंकिंग सोच सकते हो ना, जितना क्रिटिकल थिंकिंग और बढ़िया थिंकिंग आप कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता। अगर मान लो किसी के लंग में कैंसर है और उस बच्चे के, जब उस पर्टिकुलर बंदे के स्टेम सेल को प्रिजर्व कर रखा, तो ठीक है लंग में कैंसर, वो लंग निकाल लो और नया लंग डाल दो, किसका, उसी का ही। अब आप कहोगे कि किडनी हम सबके पास चलो कितनी होती है, हाँ वेलकम, बट आप